धरती का ये स्वर्ग हिमालय, देव भूमि ये दिव्य महान, कण कण में मानवता बसती, जन जन में यहाँ पुण्य प्रभा, वीर प्रसु हिमगिरि महान ये है देश प्रेम का पूत प्रवाह, जन जन में धरती के इसके बलिदानी जीवन उत्साह। वीर केशरी चंद का जन्म जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र जौनसार बावर के ग्राम क्यावा में 1 नवंबर 1920 में हुआ था। यह वह समय था जब इस क्षेत्र में कक्षा 4 तक पढ़े लिखे लोग उंगली पर गिने जा सकते थे। उस समय इनके पिता पंडित शिवदत्त जौनसार बावर के संभवतः एकमात्र व्यक्ति थे जो 9वीं कक्षा तक पढ़े थे। श्री केशरी चंद इनके सबसे छोटे पुत्र थे। दुर्भाग्यवश श्री केशरी चंद की माँ का देहांत इनके जन्म के 6 माह पश्चात ही हो गया था। परिणाम स्वरूप पंडित शिवदत्त ने स्वयं ही इन्हें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा तथा निश्चय किया कि वह अपने बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विकासनगर में पूरी करने के उपरांत हाई स्कूल की शिक्षा हेतु डीएवी कॉलेज देहरादून भेज दिया गया। इस छात्र ने वर्ष 1938 में इस कॉलेज से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित व इतिहास विषयों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की व तदंतर इसी कॉलेज में इंटर में प्रवेश लिया। इस अवधि में जहां इनके पिता पंडित शिवदत्त जी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च सरकारी नौकरी में जाने हेतु प्रेरित करते रहे, वहीं यह युवक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक रुचि लेता रहा। डीएवी कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए इन्होंने कई खेलों में सक्रिय भाग लिया तथा फुटबॉल व वॉलीबॉल की टीमों के कप्तान भी रहे। इसी दौरान नेतृत्व के अनेक गुण उभर कर सामने आए तथा अत्याचार व शोषण के विरुद्ध समय समय पर इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। पिता शिवदत्त, परिवार तथा समस्त ग्रामवासियों के परामर्श की उपेक्षा कर इंटर की शिक्षा पूर्ण किए बिना ही यह युवक 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गया और उसी वर्ष फिरोजपुर में वॉइसरॉय कमीशन ऑफिसर का कोर्स पूर्ण कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" इससे प्रभावित होकर केशरी चंद आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आजाद हिंद फौज में इनके साहस, पराक्रम तथा जोखिम उठाने की क्षमता को देखकर इन्हें कठिन से कठिन कार्य सौंपे गए। 3 फरवरी 1945 को जनरल सी जे आचिन लेक ने इनको मृत्युदंड की सजा देने की पुष्टि की। केशरी चंद मेरे बड़े भाई के सबसे छोटे चौथे लड़के थे। उनका नाम शिवदत्त था और उनके सबसे छोटे लड़के केशरी चंद था। तो उन्होंने औरों को भी पढ़ाया लेकिन केशरी चंद को इतना पढ़ाया कि देहरादून तक पढ़ाया, क्योंकि बचपन में केशरी चंद की माँ बचपन में ही जब वो 2-3 महीने का था तो माँ रायबेली, माँ का नाम था रायबेली, और वो 3 महीने में ही गुजर गई थी। तो उन्होंने उसको बड़े लाड प्यार से पाला और देहरादून इंटर कॉलेज की पूरी शिक्षा दे करके शायद बीए में भर्ती हुआ। तो उनकी तो बहुत बहुत बड़ी आकांक्षाएं थी लेकिन वो उस समय के आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में भर्ती हुआ जब द्वितीय महायुद्ध लगा, उस समय वो मलाया सिंगापुर होते हुए और आगे बढ़े। उस बीच में वो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। जब यहाँ से वो दूसरे उसमें गए तो आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आजाद हिंद फौज में जब भर्ती हुए तो वापिस जब उन्होंने धावा बोला तो किसी
किसी उसमें वो फिर मलाया सिंगापुर में पकड़े गए, मलाया सिंगापुर में पकड़े गए और लाल किले में बंद रहे। लाल किले में बंद हो करके 3 मई 1945 को उनको फांसी का हुक्म हुआ। मात्र 24 वर्ष 6 माह की आयु में इस देशभक्त को दिनांक 3 मई 1945 को प्रातः दिल्ली जिला जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस युवक का साहस देखिए कि 24 वर्ष की अल्पायु में मौत का वरण करने से चंद मिनटों पहले हुई मुलाकात के समय भी चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी और जबान पर था जय हिंद का प्यारा उद्घोष। जय हिंद के नारे के साथ इन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि देश को शीघ्र आज़ादी मिले व उनके कफन के लिए खादी का प्रयोग किया जाए। हमें भी आज हमारे परिवार, हमारे देश जौनसार बाबर और पूरे भारत को आज उस पर गर्व है। और आज ये जो मेला लग रहा है, ये इसको कम से कम 1984 से मेला शायद शुरू हुआ। वीर केसरी चंद ने अपनी जान देनी दी और तोला से ऐसा मेड़ा तस्के आदमी लागो दूर दूर के इलाके के बहुत सारे गढ़वाली जौनसारी बाउरी हिमाचली लोग ये तो मेरे मुझ शहीद के याद मुझ आओ सारे बेटकुड़िया मोरद लाड़कोटे सब यहाँ मेरे मुझ आओ। हम युवाओं के लिए ये मार्गदर्शक है क्योंकि मात्र 24.5 साल की अल्प आयु में इन्होंने केसरी चंद जी ने अपना इस देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे में हमारे हम युवाओं के लिए मार्गदर्शक है, इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एकत्रित होते हैं। जहाँ तक ये इस मेले का प्रश्न है, ये मुख्यतः 2-3 जिलों को और हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल को, ये यहाँ के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और वो मुख्य रूप से यहाँ प्रतिभाग भी करते हैं। ये जनसैलाब कोई किसी के बुलाने पर नहीं, किसी के निमंत्रण पर नहीं, बल्कि एक शहीद के प्रति जो श्रद्धा सुमन होते हैं उसके प्रति आकर्षण है। जी हाँ, वीर शहीद केसरी चंद के शहादत दिवस पर रामताल गार्डन में हर वर्ष 3 मई को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भव्य मेले का आयोजन होता है। यह मेला हमने 1985 से शुरू किया, बहुत छोटे स्तर पे था उस टाइम। हमारे शहीद केसरी चंद जी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था इसमें कि क्या कहें वो है हमारे शहीद हैं, किसी दुनिया को नहीं मालूम था हमारे इलाके में, बल्कि पूरे उत्तराखंड को नहीं मालूम था। और आज इसमें कम से कम 30-35 हज़ार लोग हमेशा यहाँ आते हैं। आज हम इस भव्य मेले को देख रहे हैं, ये सब हमारी मेहनत है, हमारे समिति की मेहनत है और हम इसमें 24 घंटे इसमें काम करने में लगे रहते हैं। सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद क्षेत्रवासी मेले का लुत्फ उठाते हैं। मेले में जौनसार बावर क्षेत्र के साथ साथ पछुआ दून, रवाई जौनपुर, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश आदि दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। Thank you.
अरुणाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेले के बारे में सुना था तो इसलिए मेले में आ गई। बहुत अच्छा लगा मेले में, बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी है, बहुत सारे कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं और डांस वांस हो रहा है। मेले में गायक एक से बढ़कर एक गीत सुनाते हैं जिन्हें सुनकर दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। मेले में आइसक्रीम, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों और फास्ट फूड से सजी कई दुकानें व कई स्टॉल लगे होते हैं जिन पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। केसरी चंद जी को जिनके तरफ से इतना सारा जौनसार बावर जुड़ा हुआ है, जिनके वजह से सब लोग आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा है। सब लोग अपने जौनसार बावर यहाँ के मतलब त्यौहार त्यौहार और काफ़ी डांस वांस देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे कम से कम 50-60 हज़ार लोग आ रखे हैं इधर देखने के लिए। और यहाँ का सबसे बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे अच्छी लगी जौनसार की। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे सारी अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे जने हैं। केसरी चंद जो हमारे देश का बंदा था, हमारा बेटा था, भाई ला कोस का इमाम बेटा ला, तीन अपना जीवन दान देना तो तेज के आस्ते यह मेड़ा रखिए, तेज के नाव से तेज का मोरिकोनी कुनिया ना रखा, तेज का नाव वाला भी कि भाई हम मोरिकवा तो मेरा नाव वाला भी आगे बाठुआ रही है, तेज के आस्ते हमें सब मिलिकोनी मेड़ा रखा जुड़ाई और ये तो मेड़े मुझे हमें सब लोग भाग लें और एक दूसरे अपने काम छोड़ दिखोनी मेड़ा काम में। यहाँ पहुंचकर तो सभी की जुबान पर बस यही पंक्तियां होती है कि इन हसीन वादियों की गोद से दूर जाने को जी नहीं करता, अब फिर से इस दुनिया में दिल लगाने को जी नहीं करता। I'm gonna make you mine.